हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज हम एम्फीबियन द एनिमल राना टिग्रिना, इस एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग भी कह सकते हैं। एम्फीबियन वो पहले एनिमल है जिनको हम कह सकते हैं कि भाई वो ओशियन एक्वेटिक एनवायरनमेंट से निकलकर लैंड एनवायरनमेंट जो है, टेस्ट एनवायरनमेंट है, उसको उन्होंने अडेप्ट किया है। लेकिन ये फुली अडेप्टेड नहीं है और इनको अपने एक्टिविटी के लिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहती है, और एगलिंग एज वेल एज रेस्पिरेशन। इसके आज हम कुछ जनरल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम स्टडी करेंगे, और इसकी जो दूसरे स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ओरिजिनेशन की बात करें हम, ये एनिमल जो है फ्रेश वाटर कार्निवोर्स एनिमल से इवोल्व हुए हैं और रैपिडिप्सियन क्रोसोप्टेरिजन ऑफ डेवनियन पीरियड जो है ऑफ पैलियोजोइक एरा 320 मिलियन ईयर्स एगो, जो पैलियोजोइक एरा था उस टाइम पर जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है ओशियंस का वो फ्रेश वाटर था, और उस टाइम पर जितने भी क्रोसोप्टेरिजन जो थे जिनको हम रिपीडिसियन क्रोसोप्टेरिजन कह सकते हैं, और ये सभी के सभी कार्निवोर्स एनिमल्स थे, लेकिन उस टाइम का एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेश वाटर था। तो उस फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में, ओशियंस वाटर में, ये क्रोसोप्टेरिजन एनिमल्स जो हैं उनसे इनका ओरिजिन हुआ माना गया है। इसकी शेप और साइज की बात करें हम, तो इनकी जब एक्वेटिक एनवायरनमेंट में होते हैं तो इनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइंड होती है, और एवरेज 18 सेंटीमीटर इनकी लेंथ है, और डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, हेड है, ट्रंक है, और लिंग, नेक और टेल जो है वो अब्सेंट होती है। अब बात करते हैं हम स्किन की एंड कलर की। इनकी स्किन जो है वो मल्टी लेयर्ड है लेकिन ड्राई नहीं है, थिन है, मॉइस्ट है, स्केल अब्सेंट है, और डोर्सोलेटल फोल्ड्स जो है, थिकनिंग जो है इसकी सरफेस पर हमें देखने को मिलेंगी, और उस थिकनिंग को हम डर्मल प्लाइसी कह सकते हैं, और कुछ ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स भी इसकी सरफेस पर डोर्सल साइड में हमें देखने को मिलेंगे, और वेंट्रल साइड में ये पेल येलोइश कलर है इसका, और मॉटल्ड कलरेशन है इसके अंदर। अपने बॉडी कलर को ये चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट सेल्स, और यहाँ पर हम बात करेंगे पिगमेंट सेल की, तो थ्री टाइप्स की पिगमेंट सेल जो है वो प्रेजेंट है इसकी डर्मिस में, और ये पिगमेंट सेल जो है पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, यानी हॉर्मोनल कंट्रोल है यहाँ के पिगमेंट सेल्स का। और ये तीन पिगमेंट सेल जो हैं, दीज आर मेलानोफोर, जो कि सबसे डीपेस्ट लेयर है डर्मिस की, वहां पर मेलानिन पिगमेंट होता है सेल्स के अंदर, उस सेल्स को मेलानोफोर सेल्स कहेंगे, और उसके ऊपर की जो लेयर है वो ग्वानोफोर है जो कि इंटरमीडिएट लेयर है, और इसमें ग्रेन्यूल्स फिल्ड अप है, ग्वानिन ग्रेन्यूल जो है वो बने हुए हैं, और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये कलर प्रोवाइड नहीं करती, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड लिपोफोर ये आउटरमोस्ट लेयर है और ये लाइट को फिल्टर करता है, और स्पेसिफिक लाइट कलर जो वेवलेंथ की लाइट जो है वही मेलानोफोर जो पिगमेंट सेल है सभी इनर मोस्ट लेयर जो है पिगमेंट से उसके पास पहुंचती है, उसके बाद कुछ कलर पिगमेंट जो है ग्वानोफोर्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और कुछ अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह से बॉडी का कलरेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज जो है हमें देगा। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी डिवीजन। बॉडी डिवीजन जो है
इसको इसके तीन पार्ट्स है बॉडी डिवीजन के। फर्स्ट वन जो है हेड है, सेकंड ट्रंक है, और थर्ड वन जो है लिम्स है। नेक एंड टेल जो है वो अब्सेंट है। तो हेड रीजन में सबसे एंट्री मोस्ट स्नाउट जो है वहां पर नेजल एक्सटर्नल नेयर्स प्रेजेंट है पेयर में, और ए पेयर ऑफ आई है हेड के टॉप रीजन पर, हाईली बल्ज आउट ए पेयर ऑफ आई है, और ईच आई हैविंग थ्री आईलिड्स। सबसे ऊपर वाली जो आईलिड जो है, फर्स्ट अपर वन जो है वो थिक पिगमेंटेड है, इमूवेबल है, और सेकंड जो लेवर है लोअर टाइप है वो सेमी ट्रांसपेरेंट है और फ्रीली मूवेबल है। तो अपर थिक लेयर है वो इमूवेबल है, पिगमेंटेड है, और लोअर जो है सेकंड वन वो सेमी ट्रांसपेरेंट है और फ्रीली मूवेबल है। एक थर्ड वन लीड जो है जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, इट अराइज फ्रॉम द सेकेंड आईलिड एंड इट इज ट्रांसपेरेंट। और ये जो एक्वस एनवायरनमेंट में जब ये मूव करता है तो उस टाइम पर ये निक्टिटिंग मेम्ब्रेन जो है आई को क्लोज कर देती है और वाटर में आसानी से ये देख सकता है, तो विजन को बनाए रखती है। इसके अलावा वन पेयर ऑफ आई के अलावा एक ब्रोस्पोट है जो आई जैसा ही है, सनलाइट को रिसीव करता है लेकिन विजन प्रोड्यूस नहीं करता ये, इसको हम ब्रोस्पोट कहते हैं इन फ्रंट और मिडल ऑफ आईज, जिसको हम वेस्टिजियल पीनियल आई भी कह सकते हैं। इसके अलावा हेड पर वन पेयर ऑफ ईयर है विद ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पेनम कह सकते हैं, लेकिन पिना अब्सेंट है और एक्सटर्नल ईयर भी अब्सेंट है। तो टिम्पेनम आई के पोस्टियर साइड में, लेटरल साइड में हमें एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मिलेगा, स्लाइटली डार्क कलर का, जिसको हम टिम्पेनम कह सकते हैं, जो कि आई ड्रम है। ये पेयर में ए पेयर ऑफ वोकल सेक इन मेल अपियर्स एज टू ब्लूइश स्पॉट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बक्कल कैविटी। माउथ के जो लोअर जा है उसके वेंट्रल साइड में वहां पर टू ब्लूइश स्पॉट जो है मैं अपियर होंगे, जो हाईली एक्सपेंडेबल है, जिनको हम वोकल सेक कह सकते हैं, जो कि मेल में ही हमें देखने को मिलेगा और काफी हद तक ये एक्सपेंड हो सकते हैं, जो कि क्रॉकिंग में ये हेल्प करते हैं। ट्रंक रीजन की बात करें हम तो ट्रंक इसका जो ओवॉइड है और मिडल रीजन में थोड़ा सा ये रेज्ड है, और ये जो मिडल जो रेज्ड पार्ट जो है, हम्प जो एरिया जो है, ये कब हमें दिखाई दे, जब ये स्क्वेटिंग पोजीशन में होगा, जब ये लैंड पर ये आराम से बैठा हुआ होगा, स्क्वेटिंग किया हुआ होगा, तो हमें ये रेज्ड पार्ट जो है डोर्सल साइड में हमें देखने को मिलेगा। और पोस्टियर मोस्ट एक लोकल अपर्चर है जिसको वेंट भी कह सकते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर फिकल मैटर यूरिन एंड गैमेट्स रिलीज। तो यहाँ पर क्लोकल अपर्चर में ये तीनों कंटेंट जो है स्टोर होते हैं, और एज पर रिक्वायरमेंट इनको बाहर रिलीज कर दिया जाता है, चाहे फिकल मैटर हो, यूरिन हो, गैमेट्स हो। अब हम बात करते हैं लिम्ब की। तो टू पेयर लिम्ब है, फोर लिम्ब है, जो कि शॉर्ट है, हाइंड लिम्ब है जो लार्ज साइज की है, लॉन्ग साइज की है। ये शॉक अब्जॉर्बर है फोर लिम्ब, और हाइंड लिम्ब जो है ये जंप के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसकी जो थाई मसल्स जो है हाईली मस्कुलाइज है ये एरिया, और जंप के लिए ये हेल्प करता है, लेकिन फोर लिम्ब जो है ये जस्ट जब ये रेस्ट पोजीशन में होता है तो बॉडी वेट को सपोर्ट करता है, और जब ये जंप लेता है तो जंप के दौरान जो बॉडी मोमेंटम है उसको ये शॉक अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। तो फोर लिम्ब में इसके क्या क्या पार्ट्स हैं वो हम देखें, तो सबसे अपर आर्म जो है फोर लिम्ब का, जिसको हम ब्रेंकियम कहेंगे, और एंटीरियो ब्रेंकियम जो है ये लोअर वन पार्ट है आर्म का, और रिस्ट पार्ट जो है उसको हम कार्पस, और हैंड जो है पाम रीजन जो है उसको हम मेनस कहेंगे। और इसके साथ फोर डिजिट जो है वो जुड़ी हुई है, जिनके बीच में कोई वेब नहीं है, ठीक
विदाउट वेब है। थंब और पोलेक्स जो है वो वेस्टियल फॉर्म है, और उस रीजन पर हम नप्शियल पैड हम देखने को मिलेगा, जो कि एम्फ्लेक्सेस के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान ये फीमेल जो है उसकी ग्रेस्पिंग में ये हेल्प करता है। नप्शियल पैड हाईली स्टिकी होता है ये। अब हम बात करें हाइंड लिम्ब की। हाइंड लिम्ब जो है सबसे हाईली मस्कुलाइज्ड एरिया है, जैसे थाई, और उसके बाद शेंक है जिसको हम क्रश कह सकते हैं, एंकल टर्सस है, फुट को हम पेस कह सकते हैं, और क्लालेस है फुट, डिजिट जो है टॉज जो है वो क्लालेस है, और उनके बीच में वेब प्रेजेंट है और डिजिट है फाइव। फोर लिम में 4 डिजिट है और हाइंड लिम में 5 डिजिट है। एक सिक्स डिजिट जो है रूडिमेंट्री डिजिट है जो हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन स्किन के अंडर प्रेजेंट होती है, जिसको हम प्री होलेक्स भी कह सकते हैं। अगर हम इसके सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बात करें तो मेल जो है वो स्मॉल साइज का है, स्मॉलर है देन फीमेल, डार्कर कलर है उसका, स्लाइटली डार्क कलर है, और स्लिमर है, थिन है, और नप्शियल पैड जो है, सोलन कॉपुलेटरी पैड जो है वो इनर फिंगर के साथ में प्रेजेंट होते हैं, और ये नप्शियल पैड जो है कॉपुलेशन में हेल्प करता है। और ईयर ड्रम जो है, मेल का जो है ईयर ड्रम वो लार्ज साइज का है कंपेयर टू फीमेल। फीमेल की हम बात करें तो फीमेल जो है मेल से थोड़ी सी लार्ज साइज में है, स्टाउटर है, हेल्दी है, मोटी है, एंड नो कॉपुलेटरी पैड्स, यानी कॉपुल पैड्स जो है, नॉशियल पैड जो है दीज आर अब्सेंट, और एक बार में 2000 से 3000 के आसपास जो एग जो है वो ले करती है, और ये एग जो है जेली, जो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है उसके अंदर ये इम्बेब्ड होते हैं। अब हम इसकी पिक्चर पिक्चर पिक्चोरियल जो है मेटामोर्फोसिस सॉरी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो हम देखेंगे। दिस वन, ये एक ट्रेंगुलर शेप माउथ है, माउथ एंट्री मोस्ट दिस वन रीजन स्नाउट, और ये एंट्री मोस्ट रीजन पे स्नाउट के टिप रीजन पर लगभग ये एक्सटर्नल नेयर प्रेजेंट है, और ये पेयर ऑफ आई है, और इसके नीचे ये अपर जा है, इसके जस्ट नीचे लोअर जा है जहाँ ये माउथ ओपनिंग होती है। उसके बाद ये पेयर ऑफ आई है, और ये जो वेस्टिजियल पीनियल आई है जो कि लाइट सेंसिटिव है लेकिन विजन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, और इसके पीछे यहाँ पर हम देखते हैं पेयर में ईयर ड्रम प्रेजेंट है जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको हम। उसके बाद ये फोर लिम्ब है और ये पीछे हाइंड लिम्ब है, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब है। फोर लिम्ब की हम बात करें, फोर लिम्ब में क्या है, दिस वन फोर लिम्ब की अपर जो ब्रेंकियम पार्ट है, उसके बाद ये फोर लिम्ब का डिस्टल पार्ट जो है जिसको हम एंटीरियो ब्रेकियम कहेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये रिस्ट है जो कि कार्पस है, और ये जो पाम रीजन जो है यहाँ पर 4 फिंगर प्रेजेंट है, 4 डिजिट्स प्रेजेंट है। उसके बाद दिस रीजन है थोरेक्स रीजन, और फिर ये और पार्ट जो है नेक अब्सेंट है, यहाँ पर नेक हमें दिखाई नहीं देगी, और ये पार्ट जो है दिस वन इज ट्रंक, और इस ट्रंक का ये पार्ट जो है एक्सटेंडेड ट्वेल्थ पार्ट दैट इज द एब्डोमेन कह सकते हैं इसको हम, और ये मिड डोर्सल लाइन प्रेजेंट है यहाँ पर, और ये बॉडी जो है स्किन जो है ये कहीं कहीं पर थिकनेस इसमें देखने को हमें मिलेंगी, जिसको हम डर्मल प्लाइस भी कह सकते हैं, और ये ब्लैक स्पॉट्स थ्रू आउट बॉडी सरफेस हमें देखने को मिलेंगे, कैमफ्लेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। और ये हाइंड लेग है, हाइंड लेग में दिस वन थाई, शेंक जिसको हम क्रश भी कह सकते हैं, दिस वन टर्सस, और ये एंकल है दैट इज फुट, फुट को पेस भी कह सकते हैं, और इसमें ये टोज है, 5 टोज है, इनके बीच में वेब प्रेजेंट है। और सबसे पॉजिटिव मोस्ट रीजन जो है बॉडी का डोर्सल साइड पर, यहाँ पर ये क्लोइकल ओपनिंग है, क्लोइकल अपर्चर है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी है दिस वन, फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब की हम देखें तो फोर लिम्ब जो है दिस वन फाइव
फर्स्ट डिजिट सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ। फिफ्थ डिजिट जो है तो जो है वो अब्सेंट है यहाँ पर, और उसकी जगह पर यहाँ पर नप्सियल पैड हमें देखने को मिलेगा, फोर लिंब का फोर लिंब है। और हाइंड लिंब जो है, हाइंड लिंब इसकी जो फर्स्ट डिजिट है उसको हम हलक्ष कहेंगे, और उसके बाद ये फिंगर्स हैं, इनके बीच में दिस वन वेब है, ये फिंगर्स के बीच में वेब प्रेजेंट है, और ये पार्ट जो है हैंड लिंब का है, ठीक है, और ये फोर लिंब का। थैंक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।